वैसे ये आ गई अपनी ट्रैम, सोचिए ट्रैम यहाँ के कितने एडवांस है। बोला कि तुम बिना परमिट के व्लॉग कैसे कर रहे हो? यही जो बाइक्स है ना, यही रेंट पे मिलती है यहाँ पे चलाने के लिए। JBR पे ना इलेक्ट्रिक बाइक लेके घूमने का मजा ही कुछ और है। एंड वो रहे सब स्काई डाइविंग वाले बंदे जो आसमान से भी नीचे गिरे हैं। दोस्तों, दुबई के इस स्काईलाइन के नजारे लेते हुए हम कर रहे हैं अभी ढाउ क्रूज। बहुत ही अमेजिंग सा डिनर स्प्रेड है, साथ में है बहुत ही प्यारे नजारे। आप सनसेट देख लो कितना प्यारा देखने को मिला है। On this side you have the Atlantis Hotel. दोस्तों, यही है दुबई में स्थित एकमात्र मंदिर और गुरुद्वारा। पर रुकते ना तू, ये चाहिए मुझको, वो चाहिए थोड़ा सेम, चाहिए थोड़ा सो भी, ये चाहिए मुझको, वो चाहिए थोड़ा सा, ये भी चाहिए थोड़ा सो भी, देवी ओसा जो नमस्कार, कैफा हालिकुम। दुबई सीरीज के एपिसोड नंबर 5 में आपका स्वागत है। लास्ट ब्लॉग में ना हमने मेनली जो ओल्ड दुबई है वो देखा था, डेरा बोलिए, गोल्ड सुख बोलिए, वहीं से शुरुआत हुई थी इस शहर की। रेगिस्तान में बसा एक ऐसा शहर जिसका आज दुनिया भर में बहुत नाम है। फिर से मैं ये ब्लॉग चालू कर रहा हूँ डिस्कवरी गार्डन्स दुबई से, जहाँ पे मेरे कजिन्स का घर है, उन्हीं के साथ में रुका हुआ हूँ। आज के इस ब्लॉग में क्या क्या रहने वाला है मैं बता देता हूँ। आज के ब्लॉग में बहुत कुछ रहेगा। सबसे पहले हम जाएंगे पाम जुमेरा, मरीना बीच, JBR। ये जो एरिया है ना, एकदम न्यू दुबई है। एंड देख के आप शॉक हो जाएंगे कि एरिया कितना ज़्यादा डेवलप्ड है। साथ ही साथ हम देखेंगे कि यहाँ की जो ट्रैम है और यहाँ की जो मोनोरेल है वो कैसी है। ये सब देख के हम एक बहुत ही प्यारी सनसेट देखेंगे पाम जुमेरा पे। एंड फिर हम एंजॉय करेंगे ढाउ क्रूज। दुबई अगर आप आ रहे हैं ना, ये एक्टिविटीज़ मस्ट है। तो इस वाले ब्लॉग के थोड़े एंड में जो है ढाउ क्रूज एक्सपीरियंस भी रहेगा, बहुत ही अमेजिंग सी। क्या फ़र्क है मरीना और क्रीक वाले क्रूज में, सब कुछ समझाऊंगा इस ब्लॉग में। एग्जैक्टली क्या फ़र्क है मरीना और क्रीक वाले क्रूज में, आपको क्या वुडन बोट लेना चाहिए, मॉडर्न बोट लेना चाहिए, प्राइवेट याच लेना चाहिए, सब कुछ बता दूंगा इस वाले ब्लॉग में। एंड साथ ही साथ हम दुबई में स्थित एक लौता हिंदू मंदिर देखेंगे एंड एक गुरुद्वारा जाके लंगर खाएंगे। फिलहाल मैं निकल गया हूँ मेट्रो के लिए। यही है सामने डिस्कवरी गार्डन्स का मेट्रो स्टेशन। एंड काफ़ी बढ़िया लग रहा है मेरे को दुबई, मज़ा आ रहा है काफ़ी। हालांकि मेरा मेन कंटेंट जो बसेस का है वो कुछ खास बन नहीं पा रहा। ओमान भी जाना था, मगर उसके लिए कुछ JCC कार्ड चाहिए इंटरनेशनल बस जर्नी करने के लिए। मैं उसी के भरोसे जो है दुबई आया था कि चलो वो बस जर्नी बनाएंगे, मगर अनफॉर्चुनेटली थिंग्स गॉट रॉन्ग। यहाँ पे जब भी आप ज़ेब्रा क्रॉसिंग क्रॉस करोगे ना, आपको हमेशा देखेंगे कि व्हेन यू आर स्टैंडिंग एंड कोई गाड़ी आ रही हो, गाड़ी रुक जाएगी। यहाँ पे पेडेस्ट्रियंस को ज़्यादा रेस्पेक्ट करते हैं। एंड फिर यहाँ पे ऐसे सब सिग्नल्स रहते हैं कि आप क्रॉस करना चाहते हो तो जैसे वो ग्रीन हो गया। बस अभी मेट्रो राइड लेके जा रहा हूँ। इस साइड से जब भी उधर जाता हूँ ना, दुबई साइड मेट्रो से, तो मेट्रो खाली मिलती है, लेकिन जब आता हूँ तब तो खड़े होकर आना पड़ता है। एंड मेट्रो ऐसी है यहाँ पे, मेट्रो में ना सिंगल सीट्स भी है इस तरह से, मतलब एयरपोर्ट एक्सप्रेस टाइप, और बाकी नॉर्मल सीट्स भी है। यहाँ की मेट्रो की एक कमाल की बात है ना कि यहाँ पे लोग अपने वो बाईसाइकिल, फिर पैरम्बुलेटर, सब कुछ लेके आ सकते हैं। जब इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होता है ना, तब लोग भी प्रेफर करते हैं कि हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट ही लें। अब अगर कोई मेट्रो ऐसा हुआ जिसमें ख़तरनाक भीड़ है, लोग सूटकेस लेके नहीं जा पा रहे हैं, फिर कहीं पे एस्केलेटर नहीं चल रहा, कहीं पे क्लीन स्टेशंस नहीं है, तो लोग सोचेंगे कि यार हम भी कैब ले लेते हैं। तो इसी तरह से ना पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अच्छा होना डिपेंड करता है कि एक सिटी में कितनी ज़्यादा भीड़ होगी, कितना ज़्यादा ट्रैफिक होगा। पहुँच चुके हैं शोभा रियल्टी स्टेशन। ही से जो है आपको ट्रैम मिलेगी जुमेरा बीच जाने के लिए, यानी सेम कार्ड चल जाएगा वहाँ पे। चलते हैं, देखते हैं यहाँ की ट्रैम्स कैसी होती है। वैसे ये आ गई अपनी ट्रैम, कुछ ऐसी है देखिए। एंड मेट्रो ड्राइवर लेस है, मगर ट्रैम ड्राइवर के साथ ही चलती है। तो ट्रैम जो है ना अंदर से कुछ ऐसी है। अब यहाँ पे है गोल्ड क्लास, बढ़िया बढ़िया सोफा लग रखा है। सोचिए ट्रैम यहाँ के कितने एडवांस है। एंड ये जो है गोल्ड क्लास है, यहाँ पे मैं जा नहीं सकता आगे।
फिलहाल मैं उतर चुका हूँ JBR 2 में, यानी जुमेरा बीच रेजिडेंस सेशन 2। एंड ये एरिया ना दुबई का कमाल का है, यहाँ की जो बिल्डिंग्स है ना मोस्टली सब हाई राइज है, किसी किसी में जो है 100 फ्लोर्स भी, मगर वो देखना है कि कौन से बिल्डिंग में जो 100 फ्लोर्स मिलेंगे। अभी ये जैसे मे बी 30-35 फ्लोर्स की हों, तो अभी जो यहाँ से राइट साइड में जस्ट वॉकिंग डिस्टेंस है मरीना बीच। आई होप कि आपको सीरीज अच्छी लग रही होगी, जो लोग बस जर्नी देखते ना आपको मे बी ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा होगा, मगर मैं कोशिश करता हूँ कि दुबई से रास अल खैमा आपको बस में ले जाऊँ। यहाँ पे बस पहुँचने वाला हूँ मरीना बीच, एंड वो रहा दुबई आई। दुबई आई की बहुत ही ज़्यादा सैड स्टोरी है। अब लंदन आई देखिए उनका कितना नाम है, वैसे ही दुबई आई था, बट अनफॉर्चुनेटली कुछ इंक्लाइंड लैंड पे बनाया, कुछ ऐसा हुआ जितना वो बड़ा स्ट्रक्चर है वो घूमा तो लैंड लोड नहीं ले पाया, कुछ स्ट्रक्चर फेलियर वगैरह हो गया, तो अभी जो है बंद ही है ये, देखते हैं फ्यूचर में अगर कभी चलता है तो। चलिए जी, वेलकम टू द मरीना बीच। यहाँ पे भी कुछ फन एक्टिविटीज़ है, जैसे जेट्स की हो गया, स्पीड बोट हो गया, मगर वो सब फिलहाल के लिए मुझे नहीं करना क्योंकि ना उतनी बीच वाइब्स भी नहीं देती। अब वो फ्लाइट टेक ऑफ किया स्काई डाइविंग के लिए, उसका खर्चा बहुत ज़्यादा है, नियरली 50-60,000, तो मेरे तो बस की बात है नहीं। और वैसे यहाँ पे आप बिल्डिंग्स की कॉस्ट सोचिए, क्योंकि डायरेक्टली एकदम सी फेसिंग है, सामने दुबई आई का व्यू है, कितना ज़्यादा मतलब महंगे फ्लैट्स होंगे यहाँ पे। खैर है ही, दुबई शहर ही अमीरों का है, क्या ही बताएं। बस ये देख लो, ज़्यादा वेव्स है नहीं, पर ब्लू वाटर है, एंड कुछ कुछ एक्टिविटीज़ है, पैडल बोट है वहाँ पे, नॉर्मल बोट है वहाँ पे, जेट्स की है, स्पीड बोट है यहाँ से, फिर वहाँ पे एक छोटा सा पार्क बना हुआ है कुछ एक्टिविटीज़ के लिए, एंड यहाँ पे सब लोग थोड़ा सी बात ले रहे हैं, सन बात ले रहे हैं। जो बेटर है वही ये कि दुबई आई का व्यू काफ़ी अच्छा है, एंड वहाँ पे प्लेन फिर से लैंड कर रहा है, वहाँ पे उसका रनवे है वो जो आप देख रहे हैं, स्काई डाइविंग दुबई, एंड वो रहे सब स्काई डाइविंग वाले बंदे जो आसमान से भी नीचे गिरे हैं। यार पैसा हो तो यार जिंदगी काफी आसान हो जाती है। यहाँ पे थोड़ा सा सीन हो गया, एक सिक्योरिटी ऑफिसर थे, उन्होंने मेरे को पकड़ लिया, बोला कि तुम बिना परमिट के व्लॉग कैसे कर रहे हो। तो उन्होंने कहा कि सर इसमें परमिट की क्या बात है, कहीं पे लिखा नहीं है ऐसा, तो बोल रहे हैं कि तुम दूसरों की वीडियो बना रहे हो। मैंने कहा कि नहीं, खुद की बना रहा हूँ। बोलते हैं कि ये प्रोफेशनल वीडियोग्राफी है। तो मैंने बहस नहीं की फालतू में, क्योंकि थोड़ा गलत तो है वीडियो बनाना, बट मेरा इंटेंशन ये नहीं कि मैं किसी और की वीडियो बनाऊँ, जो भी हो। तो उन्होंने बोला कि यहाँ से चले जाओ या फिर परमिट लेके आओ। मैंने कहा ठीक है चलते हैं, अब फालतू चक्कर में पड़ के क्या फ़ायदा। यहाँ पे ना बहुत सारे प्रीमियम कॉस्टली रेस्टोरेंट्स है, होटल्स है, ये जो पूरी जगह है ना, ये वाली रेस्टोरेंट्स बोलिए होटल्स बोलिए, मेनली फॉरेनर्स के लिए है, क्योंकि यहाँ पे आसमान को छूता हुआ प्राइस है। अब मैं जा रहा हूँ JBR पे, जहाँ पे हम रात को ढाव क्रूज करेंगे, वो जगह मैं आपको दिखाता हूँ दिन के उजाले में, बट रात को वो ना और भी ज़्यादा बढ़िया लगेगा। ऑल्सो यहाँ पे शावर, फिर चेंजिंग रूम्स, लॉकर्स, जो सन बाथ लेने की जगह होती है, सीट्स, वो सब हैं, उनके लिए आपको पे करना पड़ेगा, अलग अलग काउंटर्स हैं। अब बस चलते हैं JBR में, एंड यहाँ पे भी आप फ्लैट्स देखिए, सब आपको हाई राइज वाले ही मिलेंगे। यही जो बाइक्स है ना, यही रेंट पे मिलती है यहाँ पे चलाने के लिए, इसको कैसे लेते हैं क्या पता। ये हम आ गए हैं JBR पे, जुमेरा बीच रेस्टोरेंट्स, एंड यहाँ पे जो इस एरिया में आप वो रेंट करके वो वाली बैटरी वाली वो चला सकते हो, देखते हैं कैसे लेना है। एंड वहाँ पे जो सारी क्रूज, सारी यॉट खड़ी है, शाम को जो है हम यहीं से ढाव क्रूज चालू करेंगे। यहाँ पे ना काफ़ी लेट हो जा रहा है, फटाफट घुमाना पड़ेगा ताकि सनसेट देख सकूँ। यहाँ पे लाइम का जो ऐप डाउनलोड करना है ये बाइक चलाने के लिए, बट ये काफ़ी कॉस्टली है। चलिए ऐप डाउनलोड करके अनलॉक वनलॉक कर पाया, कार्ड चाहिए होगा आपको, क्रेडिट कार्ड या फिर एप्पल पे, इसको चालू करने के लिए वही ऐसे ही पुश करना है, फिर जो है ऐसे आप चलने लगोगे। अगर बैलेंस पता नहीं इसमें थोड़ा मुश्किल क्यों हो रहा है, इसमें ऐसा लग रहा है सारी उम्र में जोकर जैसा फील आ रहा है हालांकि, बट ठीक है थोड़ा घूम के इसको रख देते हैं। स्टार्टिंग प्राइस है 3 दिरहम, फिर हर एक मिनट का 1 रुपये 1 दिरहम लगेगा, तो कॉस्टली है काफ़ी। टू बी ऑनेस्ट, जितना इजी लग रहा था ना चलाना उतना ही मुश्किल है, मतलब एक हाथ से मुश्किल ही हो रहा है चलाना, क्योंकि यहाँ पे ना स्ट्रेट रोड्स नहीं है, ऐसी पेवमेंट है, तो थोड़ा बैलेंस करना मुश्किल हो रहा है। अब देखिए स्कूटी वूटी चलानी मुझे आती है, बट ये थोड़ी सी मुश्किल लग रही है, बट ठीक है अल्टीमेटली हो ही जाएगा, बट आपको नज़ारे भी तो दिखाने हैं।
उस साइड है अल जामिन मॉस्क एंड इसी साइड से हमने शुरू की थी ढाउ क्रूज, उस साइड से एक्चुअली यहाँ पे चिल्ड्रंस पार्क है, बढ़िया चल रहा है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी ढाउ क्रूज है। एक JBR पे ना इलेक्ट्रिक बाइक लेके घूमने का मज़ा ही कुछ और है। एंड यही है यहाँ की बढ़िया बढ़िया बिल्डिंग है। ओवरऑल ये बाइक चला के तो मज़ा ही आ रहा है, बट ये कि कैमरा के साथ चला नहीं पा रहा मैं इसको। यहाँ पे कुछ पिजन्स वगैरह है। हेलो हेलो कैफा अलीकुम। बस यही है, बढ़िया लगा ये एरिया। अब तो जितना मर्जी घूम सकते हो, मगर आपको मैं लेके चलना चाहूँगा पाम जुमेरा में, क्योंकि वहाँ पे ना बहुत बढ़िया सनसेट दिखता है। बस यहाँ पे मैं कर रहा हूँ एंड राइट, 23 मिनट हो गए, 27 दिरहम हो गए भाई साहब। कितना चला है? 2.5 किलोमीटर। 2 दिन पौंडीचेरी में स्कूटी मिल जाएगा, खैर जो भी हो। यहाँ पे फिलहाल मैं सिटी बस लेके जा रहा हूँ, मीडिया सिटी ट्राम स्टेशन, मतलब इस बस का स्टॉप नज़दीकी वहाँ पे है। फिर वहाँ से जो है मोनोरेल में जाएंगे पाम जुमेरा के ऊपर से, एंड वहीं पे सनसेट देखेंगे तो मज़ा आएगा काफ़ी। आई जस्ट होप कि जल्दी जल्दी पहुंच जाए, क्योंकि बस मिलने में ही ना लेट होगी थोड़ी, फ्रीक्वेंसी यहाँ पे थोड़ी कम है, मे बी नियर अबाउट 15-16 मिनट्स है। एंड बस भी देखिए कितनी बढ़िया है, यहाँ की जो सिटी बसेज है ना वो भी वॉल्वो की है, सीट्स भी ना काफ़ी अच्छी हैं। यहाँ पे मैं पहुँचा हूँ मीडिया सिटी बस स्टेशन, वहाँ पे कहीं पे अपना मोनोरेल का स्टेशन होगा। एंड यहाँ पे ना थोड़ा ज़्यादा ही कुछ ट्रैफिक लग रहा है मुझे कम्पेयर टू अदर दुबई। उस साइड जो है ना ऑलरेडी सनसेट होने लगा है। ये आ गया हूँ मोनोरेल स्टेशन पे, मगर अभी ट्रेन है नहीं, फ्रीक्वेंसी यहाँ पे भी 15 मिनट है। लेट्स सी कैसा सनसेट दिखा पाता हूँ। ये रहा अपना मोनोरेल स्टेशन, एंड ये जो आगे है ना पूरा ही पाम जुमेरा है आपको देखने को मिलेगा, एंड उस साइड हो रहा है बहुत ही प्यारा सनसेट। ये वाली जो मोनोरेल है ना थोड़ी सी कॉस्टली है, इट इज नियरली 30 dirhams फॉर अप डाउन अटलांटिस वाटर पार्क तक। यही ये स्टेशन है अभी हमें पाम गेटवे पे, इस पे थी पार्क नकिल अमोम एंड अटलांटिस। अब इनको बना दे दे बाहों में तेरे दे जगह। यही जो है ना पाम जुमेरा का पूरा मैप है, हमने यहाँ से स्टार्ट किया है, अभी हम आगे जाएंगे। यहाँ पे है अटलांटिस एडवेंचर वाटर पार्क, वहीं पे लास्ट स्टेशन है। जैसे ये जो एक पूरा रो है ना ये दो वाटर बॉडीज के बीच में, ये पाम का पूरा एक ब्रांच है, जैसे ये एक ब्रांच हो गया। तो इसको सही से समझना है तो मुझे स्काई डाइविंग करने जाना पड़ेगा, अगर एकदम ऊपर से दिखाना यहाँ से समझ ही नहीं आएगा। तो ये हम आगे फाइनली अटलांटिस होटल पे, जो कि मैं कह सकता हूँ दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव होटल्स है। पहुंच चुके हैं अटलांटिस होटल में, सामने रहा होटल। इसके अंदर जाने की औकात तो मेरी अभी नहीं है, ये तो मैं बता ही सकता हूँ, बट वहाँ जाके आपको एक बढ़िया व्यू दिखाने की औकात है। जो भी है थोड़ा सा लेट ही हो गए यहाँ पे पहुँचने में। ये जो शोर लाइन है ना बहुत ही ज़्यादा सही लग रही है। ये रहा एक बहुत ही बढ़िया वाला व्यू। बस चलते रहो चलते रहो चलते रहो और सनसेट का मज़ा लेते रहो। एंड दिस साइड यू हैव द अटलांटिस होटल। आप सनसेट देख लो कितना प्यारा देखने को मिला है। खैर काफ़ी बढ़िया सनसेट हो रहा है यहाँ पे, एंड बस दैट्स इट। अब जो है चलना है ढाउ क्रूज के लिए। ढाउ क्रूज एक्चुअली ऑलरेडी मैं कल कर चुका, जो कि आप अभी देखोगे। क्रूजेस का सिस्टम ये है कि आपको जो है बोट में बिठा लेंगे, एक मिनिमल अमाउंट होगा उसमें, जो है डिनर इंक्लूडेड रहेगा, बढ़िया बढ़िया व्यूज़ रहेंगे। 2 घंटे की क्रूज़ रहेगी, आधे घंटे पहले आपको रिपोर्ट करना होगा, तो लगभग 2.5 से 3 घंटे के बीच में आपका पैकेज हो सकता है। मुझे जो सबसे सूटेबल लगा मेरे ब्लॉग के लिए मैंने वही किया, ढाउ क्रूज लिया। थोड़ा महंगा वाला ही लिया क्योंकि उनकी सर्विस उनकी रेटिंग्स अच्छी थी। आपको 80 दिरहम में भी मिल जाएगा, 1800 में आपको अनलिमिटेड डिनर मिल रहा है, डिनर बुफे, साथ में तनोरा डांस मिल रहा है, फिर
फेरी राइड मिल रहा है तो इट इज़ वर्थ इट, बट 80 दिरहम इन पे जो क्रूज़ मिलता है, अक्सर उनकी सर्विस को एक बार ख़राब होती है, क्योंकि मैंने जिनसे बुक कराया था 80 दिरहम वाला, उनका रेटिंग देख के फिर मैंने कैंसिल कर दिया। क्रूज़ का एक्सपीरियंस काफ़ी अमेजिंग होने वाला है, साथ में जुड़ने वाली है मेरी कज़िन जिनके घर में रह रहा हूँ दुबई में, तो आपको डेफिनेटली मज़ा आएगा। एंड उस क्रूज़ के बाद जो है मैं आपको वो गुरुद्वारा दिखाऊंगा, वो मंदिर दिखाऊंगा जिसके बारे में मैंने आपको व्लॉग के शुरुआत में बोली थी, एंड इससे भी एक्साइटेड हूँ डेजर्ट सफारी के लिए जो कि हम करने वाले हैं नेक्स्ट वाले व्लॉग में। जो JBR है ना, यानी जो मेरा बीच रेस्टोरेंट्स 1 हो 2 हो कुछ ऐसा दिखता है रात को। खैर अभी जो ढाव क्रूज का टाइम हो रहा है तो मैं वही लेके चलता हूँ। दिन के टाइम आप मरीना, JBR ये सब देख चुके हैं, एंड रात का जो व्यू है ना वो आप देखोगे हमारे ढाव क्रूज से। पहुँच चुका हूँ यहाँ पे JBR 2 में। यहाँ पे जो है कार्ड ऐसे चेकआउट करना रहता है, ऐसी मशीन होती है, चेक इन चेकआउट ऐसे करना रहता है। एक बार ट्राम दिखा देता हूँ मैं कैसा है। अच्छा ट्राम जो है ड्राइवरलेस नहीं है, मुझे लगा ड्राइवरलेस होगा, कुछ ऐसा है, मॉडर्न ट्राम है, कैरियर ट्राम। अब बात है ऐसी कि अलग अलग बोर्ड्स के लिए आपको अलग अलग बोर्डिंग पॉइंट्स मिल जाएंगे, लेकिन सबका जो रूट है ना गोल चक्कर मारने का वो सेम है। मैं चीज़ बताता हूँ मैंने क्या करा। मैंने शुरू में फर्स्ट डे ही एक ढाव क्रूज बुक कर लिया था, पेमेंट नहीं किया था, ओनली बुक किया था, मतलब सब कुछ सही चल रहा था, उसकी फ़ोटोज़ भी अच्छी थी, मेनू भी बहुत बढ़िया लगा था। तो जब उन्होंने अपने बोर्डिंग पॉइंट का लिंक भेजा तब मैंने देखा कि उनकी रेटिंग सिर्फ 2 स्टार है, लोगों ने बहुत गंदा गंदा लिख रखा है, द नेम ऑफ द क्रूज इज़ मरीना स्टार। फिर हमने सोचा कि नहीं यार उसमें नहीं जाएंगे। उसकी जो प्राइस है दैट वाज 80 दिरहम्स, एंड आज जिस क्रूज में हम जा रहे हैं उसकी प्राइस है 150 दिरहम्स। एंड खैर ये जो JBR है ना ये भी मेरे को बहुत अच्छा लगा, नाइट का व्यू तो काफ़ी सही है। क्रूज से ना और बेटर व्यू मिलेगा आपको क्योंकि दुबई आई वगैरह देखने को मिलेगा। जब मैंने बुक किया था मुझे लगा नहीं था कि इतना ज़्यादा अच्छा होगा, बट पास से देख के ना बहुत अच्छा लग रहा है। कुछ बोर्ड्स आपको मैं दिखा दूंगा, ये जैसे रॉयल विजन है, यहाँ पे ना लगभग सेलिंग टाइम से 30 मिनट पहले बुला लेते हैं, तो आप ऐसे ही बैठे रहोगे पहले पहले, उसके बाद में सेलिंग होगी। इन दिस व्लॉग वी आर गोइंग टू एक्सपीरियंस दुबई मरीना ढाव क्रूज। क्या अलग ही लगता है यार दुबई रात को। मेरी जो कज़िन है ना जस्ट आने वाली है, एंड अपना बोट मुझे वहाँ पे दिख रहा है, हालांकि फ़ोटोज़ में और अच्छा था मगर अब लग रहा है कि थोड़ा ओवरचार्ज कर लिया हमसे। बाकी जो बोर्ड्स हैं ना लगभग 80 दिरहम से स्टार्ट हो जाते हैं जो भी बोर्ड्स हैं, लेकिन वही है कि मैंने जिस 80 वाला देखा था उसकी रिव्यूज़ काफ़ी ख़राब थे, एंड प्राइवेट याज भी बहुत है अगर आपको चाहिए तो। तो ये जो है ना अपनी आज की बोट है, दिस इज़ Alexandra 1। सबसे पहले मैं क्रूज़ दिखा देता हूँ। यहाँ पे जो लोअर डेक है उसमें पूरा मतलब एयर कंडीशन है, ग्लासेस वगैरह यहाँ पे लगे हैं, यहाँ पे सर खड़े हैं, यहाँ पे रेड कारपेट वेलकम है पूरा, यहाँ पे जो है सब टेबल्स है दोनों साइड, एंड मतलब समझिए कि यहाँ पे 6 लोगों का टेबल है। हेलो हाय। एंड एक जो है ना इसमें अपर डेक भी है। अच्छा यहाँ पे जो हमारे शेफ ग्रिल्ड वेज है, सो यहाँ पे जो है ग्रिल्ड वेज बन रहा है, एंड यहाँ पे डिनर स्प्रेड ऊपर भी लग रखा है, नीचे भी है। सो यार अपर डेक, अपर डेक का टूर दे देता हूँ। अपर डेक नॉन एसी है, इस बात का खास ध्यान रखना, बट विंडोज़ नहीं है, पूरा क्लियर व्यू मिलेगा आपको। एंड जो डिनर स्प्रेड है ना वो मैं आपको थोड़ी देर में दिखाता हूँ। एंड ये है मेरी कज़िन सुमा दीदी, हेलो बोले दो। वैसे मैं बोर्डिंग पॉइंट दिखाना भूल गया, वो जो मॉस्क है ना उसका नाम लिख दूंगा, उसके जस्ट नीचे आना है वहीं पे बोर्डिंग पॉइंट है, स्टाफ वगैरह रहते हैं असिस्ट करने के लिए, एंड वो सब बोर्ड्स भी है। मैक्सिमम बोर्ड्स का सेलिंग टाइम रात को 9 बजे ही है। बाकी अपर डेक्स के भी अपने वाइव है, मगर वही है कि थोड़ा कॉस्टली है, दिस इज़ 195 दिरहम, नीचे जो है 150 दिरहम है। बाकी निकलेंगे थोड़ी देर में, एंड इस साइड से अपना चक्कर शुरू करेंगे, फिर पूरा जो है ना घूम के उस साइड से आएंगे। व्हाट आई कैन टेल एट दिस मोमेंट इज मज़ा बहुत आएगा। ऑरेंज जूस, हाँ एप्पल जूस, ऑरेंज जूस और ओके सॉफ्ट ड्रिंक्स, वेरी गुड। की नाम दादा? सलीम। बांग्लादेश? त्रिपुरा। ओके ओके ओके, भालो खूब ओई एटा कोकी रखे दिन, कोकी भालो हो, ठीक है, थैंक यू। हाँ पेप्सी, ठीक है।
अच्छा यहाँ पे वी आर डिपार्टिंग एंड यहाँ पे जो है पेप्सी है। एक चीज़ बता देता हूँ, जो वेलकम ड्रिंक्स है वो है आपके एप्पल जूस, ऑरेंज जूस, पेप्सी और फैंटा, ये सब ऑप्शन है। साथ में डेट्स और अरबिक कॉफ़ी, ये सब कुछ है। हाँ तो यहाँ पे ना हमारा तो बुकिंग जो है लोअर डेक में था, अपर डेक में सीट्स खाली रह गई थी, हमने कहा कि यार बैठ जाते हैं। खैर कोई बात नहीं, प्राइसेस यहाँ पे थोड़े से ज़्यादा है एंड वाइब्स भी यहाँ पे ज़्यादा अच्छी है। नीचे एसी है लेकिन वाइब्स यहाँ पे और अच्छी है। जस्ट मेक श्योर कि आप जब भी बुक कर रहे हो कोई मिडिल मैन या एजेंट ना आ जाए। जैसे हमने डायरेक्टली कंपनी से लिया, तो आप अगर एजेंट या मिडिल मैन के थ्रू कराते हो तो ऑब्वियसली आपको जो भी रियल प्राइस है उससे थोड़ा ज़्यादा देना पड़ेगा। बाकी यहाँ पे डेकोरेशन ना बहुत अच्छा है, ये जो ग्लासेस है वाइन ग्लासेस काफ़ी बढ़िया है। बाकी चलो एक वाइब है एंड यहाँ से जो हमारे लिए लगभग 1.5-2 घंटे की राइड रहेगी। एंड अभी एक्चुअली जो डिनर वगैरह है वो चालू हो चुका है। डिनर स्प्रेड मैं आपको दिखाता हूँ। फिलहाल के लिए जो है मैंने सिर्फ ये सूप और कुछ स्टार्टर सा लिया है। स्टार्टर का मेनू ना कम है, सिर्फ यहाँ पे जो है स्टार्टर्स में वेज स्प्रिंग रोल है। बाकी जो डिनर का मेनू है वो काफ़ी अच्छा है। मेनू मैं एक बार स्क्रीन पर दे दूँगा। बाकी ग्रिल्ड वेज है, ग्रिल्ड चिकन है, बीफ कोफ्ता एंड ग्रिल्ड फिश है इन लेमन बटर सॉस। तो मैंने ये सूप लिया है, साथ में ब्रेड, सैलड, हमस, कॉर्न सैलड। खाना काफ़ी अच्छा है देखा जाए तो। साथ में जो यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक एंड यहाँ पे ये बेहतरीन व्यूज़। यहाँ पे मैं कुछ सूप पी रहा था एंड ये जो है ना ये है सबसे लग्जरी और सबसे महंगी वाली जो क्रूज़ है। लगभग 250 दिरहम का पड़ता है। दिस इज़ द लार्जेस्ट ऑल्सो, लोटस कंपनी का है एंड बाकी ये हिमार कंपनी की बहुत सारी बिल्डिंग्स है। आपको पता ही है हर जगह तरह तरह के डिज़ाइन है, ये लोग नया कुछ ना कुछ ट्राई करते रहते हैं। तब इनकी स्ट्रक्चर आप देखेंगे ना तो हर जगह अलग अलग मिलेंगी। ये है दुबई मरीना मॉल, बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी उस पूरे टूर में। धीरे धीरे अपन डिनर भी करते रहेंगे एंड साथ में शेयर करूँगा रिव्यू। अच्छा इन द मीन टाइम बहुत ही प्यारे प्यारे व्यूज़ एंजॉय कर रहा हूँ एंड अभी मैंने डिनर ले लिया है। डिनर में दिखा देता हूँ, प्लेट भर गया, इतने सारे आइटम्स है, बहुत ही बढ़िया बढ़िया प्रिपरेशन है। यहाँ पे है बोनलेस चिली चिकन, यहाँ पे है वेज फ्राइड राइस, यहाँ पे है पोटैटो का एक आइटम, यहाँ पे है येलो दाल तड़का, यहाँ पे दो तरह के ब्रेड्स हैं, एक जो है असॉर्टेड इंडियन ब्रेड्स है और एक वो जो शवरमा में आता है पीटा ब्रेड। बढ़िया वाला सैलड है एंड साथ में हमस, कॉर्न का सैलड, बहुत बढ़िया लगा मेरे को उनका खाना। Travel with Soumit, Soumit. Soumit. Bye. अच्छा यहाँ पे जो है ना मैं खाना वाना टेस्ट करूँ एंड कुछ ही देर में डांस शुरू होने वाला है तो फटाफट फिनिश करता हूँ। आइटम्स काफ़ी अच्छे हैं, राइस थोड़ा सा हार्ड है बस, बाकी आइटम्स बढ़िया है।
तो खाना वगैरह ना मुझे ओवरऑल बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, फ्राइड राइस, चिली चिकन। तो सबसे अच्छा लगा मुझे वो लगा कि यहाँ का जो हमस है ना वो बहुत बढ़िया रहता है, साथ में ग्रिल चिकन या कुछ भी हो जाए, सब आइटम्स ना एकदम बहुत ही परफेक्ट है। जो बीफ और फिश है वो मैंने ट्राई नहीं किया, बट फिश मेरी दीदी ने कहा कि काफ़ी अच्छा है। बाकी बहुत सारे ना क्रूजर्स दिख रहे हैं मुझे, तो आपको जो भी सूटेबल लग रहा है वो ले सकते हैं। रिव्यूज़ वाइज देखा जाए तो आप सर्च कर लीजिए, इसी का रिव्यू आपको सबसे अच्छा मिलेगा ऑन गूगल मैप्स। एंड कितना बढ़िया डांस यहाँ पे हुआ। आई होप कि ये सब सेम चीज़ें जो ना एक बार मैं आपको डेजर्ट सफारी में भी दिखा पाऊँ, जो कि हमारा अगला वाला व्लॉग रहने वाला है। एंड इसके बाद भी यार डेजर्ट्स भी है, डेजर्ट्स भी ना एकदम कमाल के हैं। इस चीज़ का जो है ना एक अलग ही एक्सपीरियंस है। कमाल का एक्सपीरियंस है दोस्तों। उस साइड है दुबई आई, एंड जिन लोगों का बर्थडे है ना आप यहाँ पे बोल सकते हैं बर्थडे वर्थडे के लिए। अगर आपको ऑन बोर्ड सेलिब्रेट करना है तो दे आर गिविंग अ केक, एंड साथ में गाना वाना बज रहा है एकदम बारबेक्यू नेशन स्टाइल। दुबई आई जो है ना बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा है। दुबई आई एक्चुअली अभी फ़िलहाल बंद हो चुका है, उसका कारण है बना जो है ना वो इंक्लाइन लैंड पर बना था, तो उसका जो लोड है ना जब वो घूम रहा था वो लोड लैंड ले नहीं पा रहा था, स्ट्रक्चर में जो है कुछ फेलियर्स आ रहे थे, तो तभी जो है दुबई आई को बंद करना पड़ गया था। एंड बाकी डिनर विनर ना फटाफट कर लेते हैं क्योंकि कुछ और भी व्यूज़ है जो मुझे आपको दिखाने हैं। जब मैंने यहाँ पे ले लिया डेजर्ट प्लेट, डेजर्ट में जो है वाटरमेलन है, ऑरेंज है, दो तरह की चॉकलेट पेस्ट्रीज़ हैं, दो तरह की वनीला पेस्ट्रीज़ है, फिर ये फ्रूट केक है, बहुत अच्छे अच्छे आइटम्स है। डेजर्ट भी काफ़ी अच्छा है, डेजर्ट भलो चलो, दीदी को भी डेजर्ट अच्छा लगा। अच्छा फिर रात के 10:45 बज रहे, जैसा उन्होंने प्रॉमिस किया था एग्जैक्टली एट दैट टाइम वापस उसी जगह आ गए, वो रहा मॉस्क हमारा बोर्डिंग पॉइंट। एक्सपीरियंस यार कमाल का था, अलेक्जेंड्रा क्रूज़ हाईली रिकमेंडेड। और इसके अलावा भाई बाकी कोई भी करना चाह रहे मेरी तरफ से मरीना रिकमेंडेड है, और अगर आप क्रीक पे करना चाह रहे तो वो भी ठीक है, उसमें भी आपको बिल्डिंग्स वगैरह में लाइट मिल जाएगी, मगर थोड़ा सा वो कनाल टाइप का है, छोटा है थोड़ा। एंड ये दुबई आई नहीं मिलेगा ये है, और यहाँ पे हर एक बिल्डिंग बहुत अच्छी है। क्रीक में करेंगे तो बुर्ज खलीफा का व्यू मिलेगा, वो बात अलग है। एंड बाकी अगर 10-12 लोगों की टीम आ रही है तो यॉट भी आउट कर सकते हैं, आपका प्राइवेट हो जाएगा फिर वो बस। और मतलब वो उसके लिए ज़्यादा फ्रेंड्स या फैमिली कुछ कम से कम 3-4-5-6 फैमिली हो रहा तो अच्छा है। डेरा वाला भी अच्छा है, वो पुराना आपको पुराना जो दुबई है वो दिखेगा, दिस इज न्यू दुबई, तो न्यू दुबई थोड़ा सा अलग है। बस आगे घूम फिर के बढ़िया एक्सपीरियंस भी, खाना भी, सब कुछ मिला के एकदम। थैंक यू फॉर कमिंग, थैंक यू, गुड नाइट, गुड नाइट, बाय। तो बस काफ़ी बढ़िया रहा एक्सपीरियंस ओवरऑल, जो स्टाफ मेंबर्स है वो भी काफ़ी अच्छे हैं, डांस वांस हुआ काफ़ी बढ़िया रहा, म्यूज़िक म्यूज़िक बजता है, बर्थडे पार्टी जो सेलिब्रेट होती है। सो दैट्स इट, यहाँ पे देख लीजिए बाकी प्राइवेट में भी है ये सारी जो लाइनअप है। बस बढ़िया रहा काफ़ी, वो रहे हमारे शिप के कैप्टन या किसी और शिप के होंगे, शिप का जो रूम है व्हील हाउस है वही नहीं दिखा मेरे को अभी तक। अच्छा यही जो है लोअर डेक है, एंड सामने जो है व्हील हाउस है, एक्चुअली लोअर डेक पे अभी आया ना तो थोड़ा और बढ़िया लग रहा है क्योंकि यहाँ पे एसी वेसी चल रहा है, सामने जो है व्हील हाउस है, दैट्स इट। यहाँ पे भी बूफे वूफे लगता है, यहाँ पे भी बैठ सकते हैं अगर आप चाहे तो यही देख लो, यही अपना बोट। एंड ढाव का मतलब होता है वुडन बोट, तो ये जो है पूरा वुडन बोट है, ढाव क्रूज बोल रहा था ना इतनी देर से, इसका मतलब यही है
वुडन बोट. सो दैट वॉज द ढाव क्रूज एक्सपीरियंस. एक्सपीरियंस कमाल का था. करिएगा जरूर अगर यहाँ पे दुबई में आ रहे हैं, भले वो क्रीक में करे भले वो मरीना में करे, करना जरूर. सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज व्लॉग. काफी अच्छा लगा ट्रैवल करके. मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, उसमें जो है आपको डेजर्ट सफारी दिखा जाएगा, वो भी ना एक कमाल का एक्सपीरियंस है. मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक अपने और अपने परिवार का ध्यान रखे, याद रखे. तूफान आंधी आए बरसात, हर मंगल शुक्र हाँ आपके साथ. दोस्तों यही है दुबई में स्थित एकमात्र मंदिर और गुरुद्वारा. दोस्तों यही है दुबई का एकमात्र हिंदू मंदिर जो कि रिसेंटली खुला है जबल अली पे, एंड पुराना वाला जो मंदिर है वो भी बंद हो चुका है. काफ़ी बढ़िया लगा यहाँ पे गुरुद्वारा और मंदिर में आके. इनफैक्ट मैं कह सकता हूँ यहाँ पे सभी भगवानों की जो है मूर्तियाँ हैं. एंड इसी के साथ हम आज का ये व्लॉग समाप्त करते हैं. गुड बाय.